तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऊबर ईट से 50 रुपये का फूड बिल्कुल फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऊबर ईट्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद ऐप ओपन करने के बाद न्यू नंबर से साइन अप करना पड़ेगा। याद रखना, न्यू नंबर साइन अप करना पड़ेगा, या फिर आप उस नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं जो आपने एक महीने के अंदर अंदर बनाया हो। ये मेरा कल मैंने जो ऑर्डर किया था ये वो वाला अकाउंट है। जब आप न्यू अकाउंट से साइन अप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, गिव योर फ्रेंड्स 50 रुपीज़। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोड दिखेगा। वो कोड आप अपने अकाउंट पर तो यूज़ नहीं कर सकते, पर इसे आप अपने दूसरे अकाउंट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो अकाउंट बनाने होंगे। फर्स्ट अकाउंट का कोड सेकंड अकाउंट में यूज़ करना और सेकंड अकाउंट का कोड फर्स्ट अकाउंट में यूज़ करना। तो इससे आप 50 रुपये का फूड पर अकाउंट ऑर्डर कर पाएंगे। और इसे आप सिर्फ दो नंबर में नहीं, अपने सारे नंबर में यूज़ कर सकते हैं जो भी आपका न्यू अकाउंट हो उससे। तो अगर आपके घर में 5 नंबर है तो आप 250 रुपये का फूड बिल्कुल फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं, 50 रुपीज़ पर अकाउंट। तो मैंने कल दो अकाउंट बनाए थे और अपने सेकंड अकाउंट का कोड फर्स्ट अकाउंट में यूज़ कर लिया था, पर आज मैं आपको दिखाऊंगा अपने फर्स्ट अकाउंट का कोड सेकंड अकाउंट में यूज़ करके। तो मैं अपना सेकंड अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ। तो आप अपने जितने भी रेस्टोरेंट सब में देख सकते हैं कि 50 रुपये या उससे नीचे का फूड आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं। जैसे कि आपको एक करके दिखा दूँ, ये 49 का है, टैक्सेस लग के ये 52 रुपीज़ 45 पैसे का हो रहा है। जब मैं 50 रुपीज़ का कोड लगाऊंगा तो ये 2 रुपीज़ 45 पैसे का रह जाएगा। आपको आप यहाँ पर अपना कोड लगाना है, ये सेम कोड नहीं लगाना क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है। जो अकाउंट आप बनाएंगे तो जो कोड दिखाएगा वो आपको यहाँ पर यूज़ करना है, फर्स्ट अकाउंट का सेकेंड अकाउंट में और सेकेंड अकाउंट का कोड फर्स्ट अकाउंट में, ये याद रखना है। जैसे कि इसमें 2 रुपये 45 पैसे का पड़ रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इससे कम का ऑर्डर करेंगे तो आपको बिल्कुल 0 रुपीज़ का पड़ेगा। जैसे कि ये 40 रुपीज़ के छोले भटूरे दिख रहे हैं, इसे मैंने हाफ में ऑर्डर किया, 40 रुपीज़ का प्राइस है और 1 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज है, तो 41 रुपीज़ माइनस हो गए। तो अप टू 50 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, मतलब अगर आपको 50 रुपये इससे नीचे का फूड ऑर्डर करते हैं तो 50 रुपये ऑफ मिल जाएगा आपको, मतलब ये 0 का पड़ जाएगा इफेक्टिवली। पर मुझे ये नहीं चाहिए थे तो मैं अपने पुराने वाले प्रोडक्ट पर जाऊँगा और उसे दोबारा ऑर्डर कर दूँगा जो कि मुझे 2 रुपीज़ 45 पैसे का पड़ रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं ये COD ऑर्डर होगा, कैश ऑन डिलीवरी, तो मुझे डिलीवरी मैन को 2 रुपीज़ 45 पैसे देने होंगे। उसके बाद आप जब प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपके पास OTP आएगा जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है। तो वो OTP डालने के बाद आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी दिखा देगा। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, और अच्छी भी क्यों नहीं लगेगी, फ्री की चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती। A few moments later. तो एम करता हूँ 250 लाइक्स के लिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ऑफर्स और ट्रिक्स इंसेंटिव पाने के लिए।